हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं। इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को पहले ही पता चल चुका होगा। अगर आपको पता चल गया और आपने फॉर्म फिल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चला है और आपने फॉर्म भी अभी तक फिल नहीं किया है तो आपके पास में अभी भी 10-15 दिन का टाइम है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी निकली है SSCC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, ये वैकेंसी निकाली गई है। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग रीजन से अलग अलग पोस्ट वगैरह निकाली गई है, तो आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए लास्ट डेट अभी भी 10-15 दिन बचे हुए हैं और 10-15 दिन इस वैकेंसी को आए हुए हो चुके हैं। मैं इसलिए इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और इस वैकेंसी से जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर का पेपर है वो हम बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं। यानी SSC 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर पूछा गया था, वो पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन्होंने SSC से फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो सभी उस पेपर को ज़रूर देखना, और जो अभी अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो भी उस पेपर को ज़रूर देखना। आपको पता चल जाएगा किस पैटर्न से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के MCQs ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके, चलिए अभी मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। बाकी तो ये PDF बहुत लेंथी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 पेज की है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको इस PDF में मिल जाएगी। जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, कोई सा भी, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, क्या सिलेबस होगा, क्या रिलैक्सेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सब कुछ आपको इस PDF में मिल जाएगा। ओके, तो आप पे टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को वहाँ पे ऐड कर लीजिए। चलिए मैं आपको सुपरफिशियली इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, किन किन डेट्स को क्या क्या होना है वो सारी चीज़ें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 12/5 से और 13/6/2022 तक आप इसके लिए लास्ट डेट रहेगी आपकी, 13/6/2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट है उसके लास्ट डेट यहाँ पे 13/6/2022 यानी कि 11 बजे तक रात को आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। देन आपको जो पेमेंट करना है ऑनलाइन, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो 15/6/2022 11 बजे तक आपको करना है। अगर आपने 13 तारीख को फॉर्म अप्लाई कर दिया, पेमेंट आपने नहीं किया है, तो 15 तारीख को 11 बजे तक आप वो पेमेंट कर दीजिए ताकि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाए। अगर आपने ऑफलाइन चालान जनरेट किया है तो वो आपके लास्ट डेट रहेगी 16/6/2022, मतलब 16 तारीख तक आप ऑफलाइन चालान भी जो है वो जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो चालान आपने किया है, पेमेंट जो आपने किया ऑफलाइन, उसके लिए लास्ट डेट रहेगी 18/6/2022। ओके, देन अगर आपने फॉर्म में कोई भी मिस्टेक कर दी है और अगर आप फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपने कोई भी गलती कर दी है तो आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 दिन का आपको समय दिया जाएगा और साथ ही साथ आपसे शुल्क भी लिया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट इंक्लूडिंग। इन्होंने पहले ही कह दिया है इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो आप गलती मत कीजिएगा फॉर्म भरते समय, क्योंकि 100 रुपये आपके चालान के लगने वाले हैं। अगर आपने फिर से गलती कर दी और फिर आप भरना चाहते हैं, मतलब फिर से आप करेक्शन करना चाहते हैं, मतलब 2 चांस आपको मिलेंगे यहाँ पे करेक्शन करने के, तो फिर से आपको 200 रुपये देने होंगे। तो मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो 100 रुपये आपके चालान के लगेंगे, और अगर आप सेकंड टाइम करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपये आपके चालान से, चालान के जो है वो लिए जाएंगे। तो उसकी डेट आपको बता दें 20/6 से 24/6 लास्ट डेट रहेगी, इनके बीच में आप जो है फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा उसकी डेट भी आपको यहाँ पे बता दी गई, टेंटेटिव है, ये अगस्त से सितंबर भी हो सकती है, बट अगस्त 2022 में इसके एग्ज़ाम हो सकती है। तो आप प्रिपरेशन भी अपनी तैयार करके रखिए, अभी से प्रिपरेशन करते रहिए। पेपर्स में आपको बता दूंगा 2021 में किस टाइप के पूछे गए हैं, वो पेपर्स आप ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है http://ssc.nic.in, इस वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए इस PDF के अंदर कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा रखी है, किस टाइप से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितनी क्या एप्लीकेशन फीस आपसे ली जाएगी, कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, हर एक चीज़ आपको इस PDF के अंदर मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सब चीज़ बता रखी है, कैंडिडेट डैशबोर्ड, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, फेज वगैरह, सिलेक्शन, पोस्ट डिटेल, लिंक्स, ये सब कुछ आपको इस लिंक पे यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको मतलब वहाँ से आप इसको ओपन करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। PDF आप SSC.NIC.IN से भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे
आ जाइए और वहाँ से आप इस PDF को ले लीजिए। देन यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे कुछ एनुरिक्स फर्स्ट है, एनुरिक्स सिक्स्थ है, फर्स्ट है, एनुरिक्स सेवन्थ है, इस प्रकार से अलग अलग एनुरिक्स, यानी यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं सर्टिफिकेट बनवाने के। SC ST के लिए एनुरिक्स, यहाँ पे आप देख लीजिए OBC के लिए सेवन्थ जो है एनुरिक्स है, इनमें जो सर्टिफिकेट वगैरह दे रखे हैं वो आपको बनवाने हैं, वो तो आपको बनवाने ही पड़ेंगे। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस दौरान भी आपको चाहिए होंगे, तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे EWS के लिए। यहाँ पे कुछ डेट वगैरह जो मेंशन कर रखे है EWS के लिए वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, तो इसी हिसाब से आप बनवाए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ओके, साथ साथ यहाँ पे CGCE एप्लीकेंट्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख लेना। कैंडिडेट शुड नोट दैट केस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, अगर आपके कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई भी आपके ऊपर केस वगैरह हो या फिर और कुछ भी हो, मतलब है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी कंडीशंस होती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ये तो सभी वैकेंसीज में होता है। चलिए, साथ ही ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो सभी रूल यहाँ पे पहले ही यहाँ पे सभी रूल आपको बता दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह जो भी डिसेबिलिटी वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप PDF के अंदर देख लीजिएगा। साथ ही नेशनलिटी की बात करें तो इंडिया के कैंडिडेट्स तो करेंगे ही करेंगे इसके लिए अप्लाई, साथ ही साथ नेपाल और भूटान के कैंडिडेट्स भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो तिब्बतियन है जो 1962 से पहले इंडिया में आ चुके हैं और यहाँ पर रह रहे हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो इंडिया से माइग्रेट हो चुके हैं चाहे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन की जो कंट्रीज है जैसे केन्या, युगांडा, जो भी यहाँ पे दे रखा है जो भी कंट्रीज है उनके कैंडिडेट्स जो यानी इंडिया से माइग्रेट हो चुके हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अपने को तो अपना ध्यान रखना है, जो भी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं जो इंडिया से हैं और वो वहाँ पर माइग्रेट हो चुके हैं वो ध्यान दे और अपना फॉर्म वगैरह यहाँ पर सबमिट करवा दे अगर आप इंटरेस्टेड है तो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपकी 1/1/2022 तक काउंट की जाएगी कितनी का एज रहती है, और एज रिलैक्सेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD 10 साल, PWD OBC को 13 साल का, और SC ST जो PWD है उनको 15 साल का, और एक्स सर्विस में उनको 3 साल का यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की मार्कशीट से मैच की जाएगी, वहीं आपकी मान्य होगी। ओके, साथ साथ अलग अलग यहाँ पे बहुत कुछ दे रखा है तो आप देख लीजिएगा, अलग अलग EWS के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बहुत सारे, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। आगे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, एज लिमिट वगैरह है, एजुकेशनल इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी आपके कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी होगा, तो उस दौरान भी आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए होंगे। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, SSC.NIC.IN पे जाइएगा और वहाँ से आप फॉर्म को ओपन करके वहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। 13 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी, फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो अच्छी बात है, अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया और आप भरना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट वगैरह वो सारी कुछ मैं अभी आपको बता दूंगा, कितने क्या पोस्ट निकाली गई है कहाँ से वो सारी चीज़ें हैं, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो आपका रीजन यानी आपको मैं ये भी बता दूंगा कहाँ कहाँ पे सेंटर्स बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर्स मिल सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये जो भी जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी होगी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जो वुमेंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पेमेंट जो है वो फीस पेमेंट जो है वो आपको नहीं करना होगा, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। जो भी वुमेंस है SC ST PWD ESM एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनको रिजर्वेशन भी दे रखा है, साथ ही साथ एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस इनसे नहीं ली जाएगी। पेमेंट जो है वो आप भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, बाई वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच सभी से आप जो है अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ओके, पेमेंट की लास्ट डेट ये आपको मैंने बताया ये 15/6 रहेगी, और 16/6 तक जो भी मतलब चालान कर रहे हैं ऑफलाइन तो उनकी 16/6/2022 तक है, तो वो भी ध्यान रखें। और जैसे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म मतलब पेमेंट वगैरह हो जाता है तो आपका फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा, और करेक्शन की डेट मैंने आपको पहले बता दी थी 20 से 24 तारीख रहेगी। इसके अंदर मैंने आपको एक फीस के बारे में बताया गया था कि आपको अगर फर्स्ट टाइम आप अगर करेक्शन कर रहे हैं तो 100 रुपये आपसे पेमेंट लिया जाएगा, और अगर आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो 200 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये नहीं है वो 200 रुपये फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं
फर्स्ट टाइम अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपये लगेंगे, सॉरी वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 100-200 बता दी। देखिए फर्स्ट टाइम अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपये आपसे चालान लिए जाएंगे, और अगर आप सेकेंड टाइम अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपसे 500 रुपये यहाँ पे चालान लिया जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आप जब फॉर्म भरे उसी टाइम आप करेक्शन करके मतलब सारी चीज़ें आप देख देख के अच्छे से फॉर्म भरे, ओके, कोई भी प्रकार की कसर ना छोड़े। आगे यहाँ पे भीम UPI से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग रीजन वाइज आपको सेंटर दे रखे हैं, जैसे सबसे पहले है CR यानी सेंट्रल रीजन जो है, जैसे भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, तो ये जो CR रीजन है, सेंट्रल रीजन है, वहाँ पे इन जगह पे जो है एग्ज़ाम होगी। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कहाँ पे होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो राजस्थान से बिलोंग करते हो, फॉर्म भर रखे हैं, तो आप अलग अलग मतलब सेंटर जो रीजन है उस हिसाब से देख लेना। रीजन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ER रीजन से जो है बिलोंग करते हैं वो, उनकी एग्ज़ाम यहाँ यहाँ पर होगी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और जो KKR कर्नाटक केरला रीजन से हैं उनकी एग्ज़ाम यहाँ यहाँ होगी, और जो MPR मध्य प्रदेश रीजन से हैं उनकी एग्ज़ाम यहाँ पर होगी, देख सकते हैं। और NER नॉर्थ रीजन में, जो राजस्थान है वो नॉर्थ रीजन के अंदर आता है, दिल्ली है, राजस्थान है, यह है NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो इनकी यहाँ पे होगी। अब आ गया अपना NR नॉर्थ रीजन, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, ये नॉर्थ रीजन के अंदर आते हैं। तो दिल्ली में सेंटर बनाया गया अजमेर, राजस्थान में बात करें तो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, सीकर, बहुत सारे सेंटर जो है वो राजस्थान में बनाए गए हैं। तो राजस्थान के कैंडिडेट्स तो वैसे ही फॉर्म भरेंगे क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स जब राजस्थान में हैं तो एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आगे यहाँ पे देहरादून उत्तराखंड से भी है, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रोहतक, तो ये अलग अलग जो सेंटर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्थ रीजन NWR का जो है यहाँ पे सेंटर रहेगा। अलग अलग जो रीजन्स है उनके हिसाब से आप इस PDF में देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी बताने में। रीजन वाइज आप देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके यहाँ पे 2 exam papers होंगे, टाइप फर्स्ट यानी A और B, 2 papers होंगे। फर्स्ट जो पेपर होगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स के और जनरल लैंग्वेज के टोटल 100 questions आपको पूछे जाएंगे। टोटल 100 questions होंगे, 200 नंबर का ये पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी ही रहेगी, 1/2 यानी कि हाफ। अगर आप 2 questions सही कर रहे हैं और 1 question गलत कर रहे हैं तो 1 question आपका काटा जाएगा, तो 1/2 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्किंग, तो 1/2 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और सेकंड पेपर भी यहीं पे साथ ही हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए मार्क्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके स्कोर के हिसाब से बनेगी और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ध्यान रखिएगा सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे होगा, तो जितनी कम नेगेटिव मार्किंग हो सके उतनी कम नेगेटिव मार्किंग करने की कोशिश करना। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ये तो मैंने आपको बता दिया है। आंसर की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ कमीशन यहाँ पे इन्होंने बोला है इफ़ एनी विद इन टाइम लिमिट टू कमीशन ऑनलाइन मॉडलिटी ओनली द पेमेंट ऑफ 100 rupees per questions, यानी एग्ज़ाम के बाद में अगर आप आंसर की वगैरह या फिर कुछ सबमिट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और आप ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन सही है हमारे अकॉर्डिंग हमारी बुक्स में, और ऐसे ऐसे अगर अच्छी बुक है और उसमें अगर वो सही दे रखा है और उन्होंने गलत आंसर बता रखा है, तो आप उसके लिए 100 रुपये देकर आप उस क्वेश्चन को सही भी करवा सकते हैं, उसके लिए क्यूरी आप डाल सकते हैं, ओके। इंडिकेटिव सिलेबस और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे दे रखा है। मैट्रिकुलेशन लेवल में कौन कौन से यहाँ पे सिलेबस पूछे जाएंगे और 12th स्टैंडर्ड लेवल में कौन कौन से सिलेबस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ये सारी डिटेल आप इसमें देख लेना। एडमिशन जो है एग्जामिनेशन की, उस दौरान आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, साथ ही साथ आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी आपको साथ में लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, लेकिन ध्यान रहे आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, यानी जो आपने फॉर्म में भरवाई है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है और 10वीं की मार्कशीट में सही है, 10वीं की मार्कशीट से आपने फॉर्म मतलब फॉर्म भरते समय आपने 10वीं की मार्कशीट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगाइए, तो आप 10वीं की मार्कशीट ही लेके जाए, आधार कार्ड आपका नहीं चलेगा वहाँ पे। अगर आपने आधार कार्ड लेके गए और वहाँ पे डेट मैच नहीं हुई तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, एग्ज़ाम आपको नहीं दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप वही आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाइए जिसमें डेट ऑफ बर्थ सही मैच कर रखी है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, ओके। साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होगा वो सारी चीज़ें भी इन्होंने पहले ही यहाँ पे डाल दी है, लेकिन आप अभी तो एक बार फॉर्म भर लीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी सब कुछ बताया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं और उसमें आपको सिलेक्शन लेना होगा, पढ़ाई आपको करनी होगी। और बात करें मार्क्स की, कितने क्या मार्क्स आपको लाने जरूरी है, जनरल में 35% मार्क्स से अबव होने चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 30% से अबव मार्क्स होने चाहिए, और अदर जो कैटेगरीज बच गई उनमें 25% मार्क्स से अबव होने ही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं, ये तो मिनिमम मार्क्स है, इससे अबव तो आपके होने ही होने चाहिए। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे रेशियो वगैरह कुछ दे रखा है, ये रेशियो वगैरह आप ज़्यादा कुछ है नहीं समझने लायक, देख लेना आप। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम होंगे, मतलब टाई अगर स्कोर रहता है तो किसको क्या प्रायोरिटी दी जाएगी। जिसके पार्ट ए में अगर ज़्यादा हो रखा है, मतलब स्कोर पार्ट ए में ज़्यादा है तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी, अगर बी में ज़्यादा है किसी के तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर एज जो है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एज का है तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नेम से भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके फॉर्म की, तो जो फॉर्म है, मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट पीरियड भी दे रखा है कि आपको कितने क्या साल की सज़ा वगैरह हो सकती है अगर आप ये वगैरह कोई भी माल प्रैक्टिस आप करते हैं तो। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी दे रखी है, यहाँ पे एनुरिक्स वगैरह देख लेना, कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ पर मिलेगा आपको, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी, देख लीजिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह आ चुके हैं और ये जो कम्प्लीट प्रोसेस है बढ़ने की वो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली कितनी क्या वैकेंसीज़ किस जगह पर निकाली गई है, वो हम पहले देखते हैं क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज भी काफ़ी हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए जो है फ़ोटोज़ वगैरह है वो आपको किस प्रकार से लगानी है, यानी यहाँ पे ऐसी कोई भी फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए जो आप इस प्रकार से लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, मतलब अच्छे से सही क्लियरली विजुअल होनी चाहिए वो सारी चीज़। ये यहाँ पर आपको कम्प्लीट फॉर्म भरने का फॉर्मेट भी दे रखा है, किस टाइप से आपको फॉर्म भरना है, तो ये आप भर देना, इमित्र से आप जाके भरवा दीजिएगा फॉर्म। और यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं कितने क्या पोस्ट निकाली गई। देखिए नर्सिंग ऑफिसर, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे तो मिलेगी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। नर्सिंग ऑफिसर की कितने क्या वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, तो देखिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की सबसे पहले सीआर रीजन में एससी एसटी ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज देखते रहना, मैं टोटल वैकेंसीज आपको बता देता हूँ। सीआर रीजन से स्टाफ नर्स की मेरिट से 5 पोस्ट निकाली गई है, नर्सिंग ऑफिसर की कोलकाता से 4 पोस्ट निकाली गई है, और जो प्रयागराज है वहाँ से 1 पोस्ट निकाली गई है। कौन से कैटेगरी में है ये पोस्ट वगैरह वो आप देख लेना। ओके, आगे देखिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई, आप अपने छोटे बड़े भाई बहन को भी बता सकते हैं। कलकत्ता से फिर वैकेंसी आई है यहाँ पे ईआर रीजन से, टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की। और आगे देखिए, मतलब टोटल यहाँ पे 30+ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई, कम्प्लीट आप नोटिफिकेशन में और देख लेना, करीबन 30+ वैकेंसीज आपको मिलेगी अलग अलग रीजन की। यहाँ पे देखिए फिर से एनईआर जो रीजन है वहाँ से देख सकते हैं आप, 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है एनईआर रीजन से भी। और आगे देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और मिलेगा, एनआर रीजन, जो एनआर रीजन है वहाँ से टोटल 2 पोस्ट निकाली गई नॉर्थन रीजन में। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसको पीडीएफ को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर एसआर रीजन से भी यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट निकाली गई है एसआर रीजन से, यानी हैदराबाद से बहुत ज़्यादा पोस्ट है, यहाँ पे 9 पोस्ट है। और आगे देखते हैं फिर से नर्सिंग ऑफिसर की, देखिए एलोपैथी की यहाँ पे डब्ल्यूआर रीजन से टोटल 4 पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर की डब्ल्यूआर से फिर से यहाँ पे 5 पोस्ट, तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर भी 9 पोस्ट निकाली गई है डब्ल्यूआर रीजन में, और डब्ल्यूआर रीजन में फिर से 1 पोस्ट निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की, देख लीजिए अलग अलग। ये टोटल यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, तो आप इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और ये कंप्लीट जो पीडीएफ हो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों हम पेपर के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।